हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 3.6 सम नंबर बी। कल मैंने सम नंबर ए तक करवाया था, आज हम सम नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। सम नंबर बी का भी 1 हमने कर दिया था, आज 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें है राउंडिंग नियरेस्ट 1000 एंड कंपेयर विद एक्चुअल सम। इसका मतलब है कि पहले हमें राउंडिंग नियरेस्ट 1000 करना है और फिर दोनों का सम करना है। जब मैंने करके दिखाया है, आप देख सकते हो, देखो। और 1000 में रूल आपको मालूम है क्या करने का है कि 5 लास्ट 3 डिजिट देखने के, 500 से कम है तो वो डाउन हो जाएगा और 500 से ज़्यादा है तो अप हो जाएगा। तो यहाँ पे है 4259 एंड 3305 303। तो यहाँ पे हमें दोनों 500 से कम है तो दोनों डाउन हो जाएगी। तो 4259 का 4000 और 3000 हो जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो जो हमें नंबर दिए गए हैं उसका सम हमने करके दिखाया है तो 7562 आता है। लेकिन राउंडिंग अबाउट 1000 है, नियरेस्ट 1000 उसका हमने किया है तो उसका सम आता है 7000। फिर आगे नंबर 3, 2817 1506। देखो दोनों क्या है, दोनों 500 से ज़्यादा है इसीलिए दोनों अप जाएंगे। तो 2000 फर्स्ट नंबर है 2817 उसका हो जाएगा 3000 एंड सेकंड है 1506 तो उसका हो जाएगा 2000। तो यहाँ पे हमने जो सम किया है एक्चुअल डिजिट का के नंबर का वो है 4323। और जो सम ऑफ नियरेस्ट 1000 किया है वो है 6000। अब नंबर 4, 5420 7774। ये दोनों में हमें राउंड अप नियरेस्ट 1000 करने का है। जो रूल है आपको मालूम है, लास्ट 3 डिजिट देखने के हैं तो 500 से ज़्यादा है तो अप जाएगा, कम है तो डाउन जाएगा। तो यहाँ पे है 4000 520 4205 से कम है तो हो जाएगा 5000 एंड 7700 से 500 से ज़्यादा है तो हो जाएगा 7000 का 8000। तो यहाँ पे हमने जो एक्चुअल है उसका सम किया तो 13194 आया और यहाँ पे 13000 आया। जो नियरेस्ट 1000 का प्लस किया तो 13000 आया। अब आगे है सम नंबर 5, 3815 4521 6366। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को देखने का है तो 8800 500 से ज़्यादा है, 521 भी 500 से ज़्यादा है एंड 366 कम है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 3800 तो उसका क्या आ जाए 4000 ने 4521 तो उसका हो जाएगा 5000 क्योंकि 521 है लास्ट में। फिर 6300 से कम है तो ये हो जाएगा 6000। सबका हमने प्लस करके देखा तो 15000 आया और एचयूएल का सम करके देखा तो 14702 आया। नियरेस्ट 1000 का क्या आया 15000। अब आगे है सम नंबर 6, इसमें देखो 3 नंबर दिए हैं तो सबसे पहला है 3282 4431 6632। तो देखो 282 भी 500 से कम है
431 भी कम है लेकिन 632 ज़्यादा है। तो फर्स्ट है नंबर उसका हो जाएगा 3000, सेकंड का हो जाएगा 4000 और थर्ड जो 632 500 से ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा 3000। तो आंसर क्या आया 10000। अरे हाँ 10000। और जो एक्चुअली नंबर है उसका सम किया तो क्या है 10345। ये हो गया सम नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी आए हम, उसमें देखो उसमें डायरेक्ट नंबर नहीं दिए लेकिन प्रॉब्लम समझिया है। देयर आर 2335 वीमेन एंड 3044 मैन इन ए कॉलोनी, एक कॉलोनी में इतने मैन और इतनी वुमन रहती थी। तो एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लोकेलिटी बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100। यहाँ पे हमें टोटल नंबर दिखाने का है लेकिन राउंड अप कहाँ पे करने का है, नियरेस्ट 100। याद रहे नियरेस्ट 100 मीन्स लास्ट टू डिजिट देखने हैं, जो 50 से ज़्यादा है तो अप हो जाएगा, 50 से कम है तो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2335 वीमेन है, 3044 मैन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाँ 3044 मैन है तो दोनों डिजिट देखो 50 के नीचे है, दोनों 50 से कम है, इसीलिए 2300 हो जाएगा और 3000 हो जाएगा। 3044 का क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो हम इसको हम फिर उसको प्लस करने के हैं, प्लस करेंगे तो उसकी जो टोटल नंबर है वो आएगा। तो यहाँ पे है 2300 एंड 3000। तो उसका हमने टोटल किया तो क्या आया 5300। तो आंसर क्या आया 5300 टोटल नंबर ऑफ पीपल। सब टोटल नंबर पीपल करेंगे तो कितना आएगा 5300। अब हम आए सम नंबर डी, सम नंबर डी में है ए फंक्शन वॉज हेल्ड विथ 3815 डेड चेयर, 2782 ब्लू चेयर एंड 4664 ग्रीन चेयर। तो एस्टिमेट द टोटल चेयर बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000। देखो यहाँ पे नियरेस्ट 1000 करने का है हमें, तो इसमें क्या करने का है, लास्ट थ्री डिजिट देखने का है 1000 में, 500 से ज़्यादा है तो वो अप जाएगा और कम है तो डाउन जाएगा। यहाँ पे देखो तीनों 500 से ज़्यादा है, 815, 782, 664। तो यहाँ पे 3000 का क्या हो जाएगा 4000 और 2000 का 3000, क्योंकि 700 भी 500 से ज़्यादा है और 600 भी 500 से ज़्यादा है, तो 4000 का क्या हो जाएगा 5000। तो टोटल हमने किया तो क्या आया 12000। तो आंसर क्या आएगा 12000 टोटल नंबर ऑफ चेयर, टोटल ब्लू ग्रीन एंड रेड ब्लू एंड ग्रीन सब चेयर मिलके कितनी होती है 12000। ये हो गया फाइनल आंसर। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर ई, ए कंपनी रन्स इन थ्री शिफ्ट, देयर आर 3350 एम्प्लॉइज इन द मॉर्निंग शिफ्ट, 3635 इन द इवनिंग शिफ्ट एंड 2495 इन नाइट शिफ्ट। थ्री शिफ्ट में कितने एम्प्लॉइज आते हैं वो लिखा है और टोटल नंबर हमें फाइंड करने का है। तो यहाँ पे है 1000 है, एस्टिमेट द टोटल नंबर
इन द एम्प्लॉई नियरेस्ट 100, यहाँ पे 100 से करने का है तो 100 में क्या रूल है आप जानते हो कि 50 और 50 से ज़्यादा है तो अप हो जाएगा, कम है तो डाउन हो जाएगा। तो 3350 तो 3350 का हो जाएगा 3400, क्योंकि 50 है इसीलिए। फिर है 3635 है वो 50 से कम है इसीलिए हो गया 3600, और लास्ट में हो गया 2500, क्योंकि 400 है वो ना 95 है वो 50 से ज़्यादा है इसीलिए 2500। टोटल किया तो क्या आ गया 9500। तो 9500 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी, ये हो गया हमारा सम। आपको नोटबुक, मैथ की नोटबुक में लिखने का है और होमवर्क में भी लिखने का है।